हम दो दिन तक इंतजार करेंगे और दो दिन के बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा करेंगे। हमें रास्ता चाहिए। हमारे को कैद में करके छोड़ दिया है इन लोगों ने, हमारे को कैदी बना दिया है। बगैर किसी जुर्म के होते हुए हम कैद भुगत रहे हैं। वहाँ पब्लिक तो परेशान है जी, रेड़ी वाले मजदूर 300-400 रेड़ी वाले हुआ बेचारे, नीचे को खींच खींच के लाओगे केड़े की ट्रे भी, सब कुछ सब्जी भी, सब कुछ परेशान है। मतलब पूरे प्रशासन था जिसके भी उस्मानदा हो। मैं तो कुछ मारना है, कमिश्नर साहब गए थे वहाँ कई दिन पहले, उन्होंने कहा था भाई दीवार तोड़ देंगे और आप रेलवे के अधिकारियों से मिलकर अपना समाधान कर लो। हमारी सरकार और प्रशासन से विनती है कि इस फाटक को शीघ्र अति शीघ्र खोलकर हमारी समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा इसका आने वाले इलेक्शन में और अभी डिपार्टमेंट और सरकार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मामला है पानीपत का, जहां पर आपको बता दें कि ये लोग गुस्साए हुए हैं क्योंकि 3 से 4 वार्डों के लोगों का और कई गांव के लोगों के आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया गया। ये है पानीपत का आजाद नगर फाटक जिसे बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि अगर जल्द फाटक नहीं खोला गया तो वो आंदोलन करेंगे। हमारे कॉलोनी वासी तकरीबन 4 हमारी कॉलोनी है और वहाँ 51 नंबर फाटक जो रेलवे की फाटक दिल्ली अम्बाला लाइन है उस पर जो फाटक थी जो तकरीबन 30 साल से चालू थी और हमारा मुख्य रास्ता ही वो था। हमें यदि शमशान घाट जाना है, स्कूल जाना है, हॉस्पिटल जाना है, किसी भी काम के लिए हमें जाना पड़ता है तो हमारा बाजार या हर किस्म का लेन देन हमारा वहीं पर है। और लगातार एक महीने से अंडर पास वहाँ पर बनने जा रहा है, उसकी आड़ में रेलवे प्रशासन हमारे को टॉर्चर कर रहा है। इतना टॉर्चर कर रहा है कि यदि हमारे घर कोई मर जाता है तो हम उसकी अर्थी को लेकर भी शमशान घाट नहीं जा पाते क्योंकि हमारा शमशान घाट रेलवे लाइन के उस पार है और 30 साल से हमारा रास्ता है, पक्की हमारी फाटक थी। पर ये लोग जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए उस फाटक को बिल्कुल बंद कर दिया है कि कोई भी आदमी वहाँ पैदल ना निकल पाए। इस बात के विरोध में आज कॉलोनी वासी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ के बात करी है, इनका कोई संतुष्ट जवाब हमें नहीं मिला है। तो हम मीडिया के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि या तो हमें वहाँ से रास्ता दिया जाए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेके हम इस शहर में निकलेंगे और हर चीज़ की जिम्मेवार सरकार और ये रेलवे प्रशासन होगा। ये हम इनको चेतावनी दे के जा रहे हैं। इन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया है, नगर निगम ने भी 2 दिन का टाइम दिया है। अम्मी साहब से बात हुई थी हमारे पार्षद साहब की, उसने भी कहा है कि 2 दिन के अंदर हम मिट्टी डाल के और रास्ता भी ठीक कर देंगे और फाटक खुल जाएगी। इन्होंने हमें ये काम नहीं करते हैं 2 दिन के बाद तो हम वहाँ पे अनशन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और उसका जो जिम्मेवार होगा किसी भी प्रकार का तो ये रेलवे प्रशासन और यहाँ की सरकार होगी। आज किससे मिलेंगे आप? आज हमें जो अधीक्षक साहब बैठे हैं यहाँ पे शर्मा जी से, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है, जो IAS अफसर है हमारी मैडम जी वे कहीं बाहर गई हुई हैं ड्यूटी पे, तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फ़ोन कॉल किया है, फ़ोन उन्होंने नहीं रिसीव किया, तो शायद उनका भी मैसेज आ जाए और नहीं मैसेज आ जाता है तो हमारा आश्वासन हमारे को ये मिला है, हम 2 दिन तक इंतज़ार करेंगे और 2 दिन के बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा करेंगे। हमें रास्ता चाहिए, ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए भी वहीं जाते हैं। हर बच्चे पे, हर आदमी पे उस चीज़ का प्रभाव पड़ा। हमारे को कैद में करके छोड़ दिया है इन लोगों ने, हमारे को कैदी बना दिया है। बगैर किसी जुर्म के होते हुए हम कैद भुगत रहे हैं वहाँ पे। दरअसल लोगों का कहना है कि इस फाटक की कई वार्डों के लोगों का आने जाने का रास्ता है, यहीं से दुकानदार आते हैं, लोग बाजार जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन फाटक बंद होने से उनका मेन रास्ता ही बंद कर दिया गया। रास्ते के लिए आए थे भाई, फाटक खुल जाए तो कैसे न कैसे, वहाँ बारिश के उस तक कटाव हो गया था रास्ते का, तो उसमें कमिश्नर साहब को, एक्शन साहब को, जेई साहब को ले गया था मैं थोड़ा रास्ता चौड़ा करवाने के बाद। परसों को मेरे एक्शन साहब ने भी परसों का दिया आश्वासन, अभी परसों रास्ता सुधरवा देंगे। उसके बाद ही नवी रेलवे वाले ने भी कहा अभी हमें देखो परसों तक अगर रास्ता सुधरवाओ आप मौका देखेंगे, उसके बाद फाटक खुल जाए शायद। यानी पब्लिक तो परेशान है जी, रेड़ी वाले मजदूर 300-400 रेड़ी वाले हुआ बेचारे, नीचे को खींच खींच के लाओगे केड़े की ट्रे भी, सब कुछ सब्जी भी, सब कुछ परेशान है। आम जनता परेशान है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, औरतें सब्जी लेने जाती हैं, कैसे जाओगी? और 4 कॉलोनियों के साथ दार, बुरश्याम, नराना, मढ़ाना, वहाँ के किसान सब्जी लेकर आवा ना, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैली नहीं है, वह पुल के ऊपर तो घूम गए बुगी लेकर,
वहीं परेशान है। और हमने जनता की इतनी ताकत हमारी कॉलोनी की, हमारे वार्ड की एमसी धमोके के उस टाइम सुशील भाई जसमीर है, इतनी ताकत है यार। वो तकाली फाटक लग नहीं थी, उस टाइम का सांसद अरविंद शर्मा था करनाल से एमपी। जब हम फाटक लुवा सकें हेड का या जनता या मिल का, तो हम यह खुलवा भी सकें। तो फिलहाल तो प्रशासन से रेलवे से यही अपील है, जोड़ का पूरी कॉलोनी की तरफ है, हमारे प्रधानों की तरफ है, भाई थोड़ा रास्ता मिल जाए। शमशान भूमि भी उधर है, रेडी वाले 300-400 मजदूर हैं बेचारे, बहुत परेशान है। मैं तो पूरे प्रशासन था जिसके भी उस्मानदा हो, मैं तो उस्मान कमिश्नर साहब गए थे वहाँ कई दिन पहले, उन्होंने कहा था भाई दीवार तोड़ देंगे और आप रेलवे के अधिकारियों से मिलकर अपना समाधान कर लो। शर्मा जी कह रहे हैं भाई दीवार टूट जाएगी, ये हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करेंगे और जनता पब्लिक हमारी एकजुट है और आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ मैं तो चाहूँ रेल मंत्री तक पहुँचे और इस चीज़ का समाधान हो, हमें आश्वासन मिला है और बोलना अपना चाहिए तो सोमवार को उम्मीद है। फिलहाल कॉलोनी के लोग रेलवे के अधिकारी से मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन तक फाटक को खोल दिया जाएगा। हालांकि लोगों का कहना है कि अगर फाटक नहीं खोला जाता तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सरकार और रेलवे विभाग होगा। हम सभी वार्ड नंबर 15, 16 और 17 के वासी, रेलवे प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और पानीपत के सभी विधायक और सांसद महोदय से ये विनती करते हैं कि हमारे लाखों लोगों का यहाँ से इस फाटक से आना जाना है और इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ पर मजदूर तबका, सभी सब्जी मंडी में रेडी लगाने वाले रेडी वाले और आम आदमी जो कि सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने जाते हैं, किसी का भी निकलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है। रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है और हमें बहुत दिक्कत हो रही है। फाटक बंद होने की वजह से सब्जी लाना भी मुश्किल हो गया है, सब्जियां बेचना मुश्किल हो गया है और काम पर आने जाने के लिए रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके वजह से सभी वार्ड नंबर 16, 15 और 17 वासी बहुत दुखी हैं। हमारी सरकार और प्रशासन से विनती है कि इस फाटक को शीघ्र अतिशीघ्र खोलकर हमारी समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा इसका आने वाले इलेक्शन में और अभी डिपार्टमेंट और सरकार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। कृपया हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए और तुरंत समाधान किया जाए। फिलहाल 2 दिन में फाटक खोलने का आश्वासन दिया गया है, वहीं लोगों ने भी चेतावनी दी है कि जल्द फाटक खोले वरना अंजाम बुरा होगा। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।